अंतरिक्ष यात्री जो जल्द ही अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, उन्हें पहले स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग करनी होती है। क्या अंतरिक्ष में भी डाइविंग की जरूरत होती है? असल में इसे न्यूट्रल बॉयंसी ट्रेनिंग कहा जाता है। स्टाफ पहले 101 प्रतिकृति अंतरिक्ष स्टेशन को पानी में डाल देंगे। जब अंतरिक्ष यात्री पानी में प्रवेश करेंगे तो वे पानी की उसी मात्रा को विस्थापित करेंगे जो उनके शरीर के वजन के बराबर है। इससे अंतरिक्ष यात्री पानी में बिना डूबे बिना तैरे बस तैरते रहेंगे। शून्य गुरुत्व वातावरण का अनुकरण करने के लिए 200 किलो का स्पेस सूट पहनकर अंतरिक्ष यात्री शारीरिक गतिविधियों और मुद्राओं में महारत हासिल करते हैं। स्विमिंग पूल में प्रवेश करते ही नीचे डूब जाते हैं, इसलिए लोगों को स्पेस सूट में हवा डालकर सुविधा बढ़ानी होती है जब तक न्यूट्रल बॉयंसी हासिल न हो जाए। यह अंतरिक्ष यात्री को स्पेस वॉक और मेंटेनेंस जैसी प्रक्रियाओं का अभ्यास करने में मदद करता है। एक न्यूट्रल बॉयंसी प्रयोग में 5 से 7 घंटे लगते हैं। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री खाना नहीं खा सकते और पानी की सतह पर नहीं आ सकते। यही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है क्योंकि अंतरिक्ष यात्री को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। संसाधन प्राप्त करने के समान ऊर्जा खर्च होती है। प्रशिक्षण के बाद वजन में लगभग 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है। शुरुआत से अंत तक अंतरिक्ष यात्री पर भारी दबाव होता है, उच्च तकनीक उपकरणों और कर्मचारियों की सहायता के बावजूद। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बात अंतरिक्ष यात्री स्वयं है। ये उनकी दृढ़ संकल्प की भावना है जिसने हमें बाहरी अंतरिक्ष के बारे में अधिक जानने की अनुमति दी है। तो क्या ये बहुत अद्भुत नहीं है?